स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू डिस्कस प्रॉब्लम नंबर वन सब प्रॉब्लम नंबर थ्री हियर यू हैव टू फाइंड ए सी एफ ऑफ 867 एंड 255. दिस इज माई ओपिनियन दैट यू फर्स्ट फाइंड ए सी एफ बाय लॉन्ग डिविजन मेथड एंड इन दिस वे यू हियर See that 51 is the SCF. Now how will you translate it into Euclid division lemma? So you first write 867, here is 865. And you divide here 867 by 255. What do you observe? We observe here 102 is remainder. 102 is remainder. Again you divide 255 by 102, then 51 is remainder. Again you divide 102 by 51, then 0 is the remainder. So 51 is the SCF. Keep in your mind this important thing is that here the SCF of ordered pair, if we write a number in this form under the small bracket, it is known as ordered pair. Ordered pair. So every ordered pair represents a point in Cartesian plane. So now you only know that this represents a point. So 867 and 255. The SCF of 867 and 255 is equal to SCF of 255 and 102. And a SCF of 102 and 51 is 51. So you can observe it in this problem. And I hope today, whatever I taught you, you must have understood. And I hope you will do accordingly. I have already sent you by Xerox, by video the Xerox copy of exercise 1.1 also, and you should read the page number 2, 3, 4, 5 of this chapter also. These are for your homework. I hope when I will meet, yeah, we will meet in next class, I will discuss again the different types of problem in which we will apply Euclid division lemma. Now, at the end of this class, I want to share you some important points. First, बात जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स आप साफ साफ बनाइए, और इसके लिए भी आपको नंबर मिलेगा एक्टिविटीज प्रोजेक्ट. इस बार समय को देखते हुए होमवर्क और क्लास वर्क में भी टीचर नंबर देते हैं. मैं नंबर से इसको जोड़ना नहीं चाहता. मैं चाहता हूं कि आप ईमानदार बनो. प्रत्येक दिन जो पढ़ाई होती है, हम जो पढ़ाते हैं, उसका एक फ्रेश नोट्स बनाओ और फर्स्ट फेज में एनसीईआरटी के ही सवाल को बनाओ. बहुत कम सवाल है एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी के सवाल को बनाइए. इसके वर्कआउट एग्जाम्पल, वर्कआउट मीन्स जो सवाल एनसीईआरटी बनाई हुई है उसको ही बनाइए. और फिर हम जो सवाल एक्सरसाइज का बनाते हैं प्राय सब बना ही देते हैं, आप उसको भी बनाइए. और जब इन सब का सलूशन आपके पास हो जाएगा तब आप कोशिश कीजिए कि प्रॉब्लम बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपसे बनता है तो फिर उसको आप कोशिश कीजिएगा. अभी आप केवल और केवल एनसीईआरटी बनाइए, वर्कआउट सवाल को बनाइए,
एक्सरसाइज को बनाइए, हो सके जिस बच्चा से तो रेफरेंस बुक भी देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप बताए गए रास्ते पर, सुझाए गए मार्गों पर चलकर बहुत अच्छा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।